हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ खास गिनी चुनी न्यूज़ जो हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी हाँ, पहली न्यूज़ आ रही है सबसे ट्रेंडिंग में चल रही कंपनी के बारे में, जो है शाओमी। जी हाँ, शाओमी की तरफ से न्यूज़ आ रही है क्योंकि शाओमी ने एक अपने ट्विटर पर एक पोल वाला एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने पोल किया था एंड्रॉयड वन में और मी यू आई में। तो दोस्तों, उसने पूछा था कि आपको कौन सा इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, उस पोल में एंड्रॉयड वन को ज़्यादा वोट मिले थे और एंड्रॉयड वन जीत गया था। पर दोस्तों, शाओमी ने क्या किया कि अपना वो पोल वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया, जो कि बहुत ही गंदी हरकत है मेरे ख्याल से कंपनी की तरफ से। क्योंकि दोस्तों, ऐसा जो भी रिजल्ट है कंज्यूमर को जानने की पूरी वो है, राइट है कि वो कंज्यूमर जान सके कि लोगों ने कौन से यूज़र इंटरफेस को ज़्यादा पसंद किया। पर दोस्तों, शाओमी ने क्या किया, उस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं, वो ये है एयरटेल टीवी और हॉटस्टार ऐप में हो गया है एक पार्टनरशिप, जिसमें आपको मिलेगा हॉटस्टार ऐप एयरटेल टीवी में बिल्कुल फ्री। जी हाँ, अगर आपको हॉटस्टार ऐप पे जो पेड चीज़ें हैं वो आप अगर एयरटेल टीवी ऐप यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेंगी। तो दोस्तों, ये एयरटेल टीवी का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए, इससे काफ़ी सारे कस्टमर बढ़ सकते हैं उनके। तो अब अगली बात करते हैं, वो ये है दोस्तों, कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे जो वियरेबल गैजेट्स है, जैसे हम स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं, फिटनेस वॉच, तो दोस्तों उनको चार्ज कर सकती है। मतलब दोस्तों, हमारी बॉडी उन गैजेट्स को चार्ज कर सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ मिल रही है साइंस पे, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये ऐसा हो सकता है तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी बात है, वैसे भी साइंस काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, तो ऐसी बात को हम मानना, ऐसा इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों साइंस में कुछ भी हो रहा है और कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है, ये टेक्नोलॉजी आती है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी स्मार्ट वॉच को अपनी बॉडी से ही चार्ज कर सकते हैं और हमें कोई भी उनको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगली बात करते हैं, वो दोबारा शाओमी की तरफ से ही है। दोस्तों, शाओमी ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रखा है अपने एक सरप्राइज से, जो कि वो देने वाले हैं यानी दो दिनों बाद 14 फरवरी को। दोस्तों, उसमें वो अपना एक लॉन्च करने वाले हैं, क्या हो सकता है, वो एम आई टीवी हो सकता है, रेडमी नोट 5 हो सकता है, या फिर रेडमी 5 हो सकता है, और भी काफ़ी सारे गैजेट्स हो सकते हैं, क्योंकि एम आई एक ऑलराउंड कंपनी है। तो दोस्तों, देखना पड़ेगा कि क्या होता है वो, पर उसने काफ़ी सारी पोस्ट डाल के लोगों में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों, हमें भी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है, अगर वो Redmi Note 5 होता है तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, पर दोस्तों अच्छी बात तब होगी कि Redmi Note 5 वाले जो लोग फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी अगर उसमें हुए। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं, अब देखना पड़ेगा कि Xiaomi अब उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरती है या नहीं। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो हम ये भी चाहते हैं कि आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दें, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारी वीडियोस में हमें किस चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही नई नई मज़ेदार वीडियोस आपको देते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।